बीजेपी वाले हैं और बीजेपी को ही जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम बहुत अच्छे अच्छे करे। आजम खान क्या, आजम खान अपनी गलती का सजा भुगत रहे हैं क्या? मोदी जी से और योगी जी से ये कहना चाहेंगे कि रोजगार पे मिन होकर मोदी जी को भी वोट मुस्लिम डालता है, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी की सरकार आना चाहिए, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल गांधी की लहर चल रही है और राहुल गांधी ही जीतना चाहिए। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी में आपका स्वागत है और हम इस वक्त मौजूद है बरेली में। बरेली की जनता से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनका क्या मूड रहने वाला है, लोकसभा का चुनाव है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे तो सर, हम बीजेपी वाले हैं और बीजेपी को ही जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम बहुत अच्छे अच्छे करे हैं जी। हमारी स्मार्ट सिटी बनाई, हमारे जो काम दूसरी सरकारों में नहीं हो रहे थे वो भी काम हुए, बहुत से काम ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े थे, आज हमारा पुल भी जो लोग दिक्कत दे रहे थे वो भी सही हुआ, शहर में भी बदलाव आया वो सबको दिख रहा है। और बाकी भाई आप बताइए। हाँ बिल्कुल, जो है वो ये है, जीतना होने को ही है। और सरकार में हमें ऐसा काम नहीं मिला जो हमें। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव से मुसलमान नाराज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे अच्छा इस सरकार में ये काम हुआ है कि माहौल जो था वो सब खराब सही हो गया, सही हो गया। नहीं, हम बात अगर अखिलेश यादव की करें, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एचटी हसन का वोट काट दिया, क्या कहते हैं, उनका टिकट काट दिया है ना, और तमाम जो आजम खान के बारे में कहा जाता है कि उनका साथ नहीं दिया। आजम खान क्या, आजम खान अपनी गलती का सजा भुगत रहे हैं। अच्छा, जो उन्होंने करा है लोगों के खिलाफ उसकी सजा भुगत रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे क्या, बस यही है कि पहले तो रोजगार है, अभी तक का तो सही है, मामला चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और मेन चीज यही है कि मोदी जी से और योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि रोजगार पे मेन फोकस दें, जो हमारे युवा लोग हैं उसके लिए, और बाकी सब बढ़िया है। और आपकी बार जो नारा है 400 बार लग रहा है कि हाँ हो सकता है, हो सकता है। जी जी बिल्कुल, इस बार बरेली में भी लग रहा है। बरेली में हमारे गौतम जी ने भी अच्छा काम किया है, नो डाउट। आप कहीं किसी गली, किसी चौराहे या किसी भी आप जाएंगे तो एक बार लग रहा है कि हाँ कुछ काम हुआ है बरेली में। हाँ, तो काम का फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, मिलना तो चाहिए, बाकी अब अलग अलग लोग की अलग अलग सोच होती है उसके। आप मुस्लिम है, मुस्लिम समाज के बारे में ये कहा जाता है अक्सर कि वो बीजेपी से दूरियां बना के रखता है। नहीं नहीं, अगर बीजेपी से मुस्लिम दूरी बनाएगा तो इतनी सीटें कहाँ से आ रही हैं, ये भी सोचने वाली बात है जी। और हर वोट दे रहा है, हाँ कुछ लोग पार्टी के, कुछ कांग्रेस को देंगे, कुछ किसी को देंगे, मगर हाँ मोदी जी को भी वोट मुस्लिम डालता है, ऐसी बात नहीं है भाई। आप बताइए इस बार किसकी सरकार? सरकार मोदी सरकार। ऐसा क्यों? काम अच्छे हो रहा है ना, काम अच्छे हुए, मगर रोजगार नहीं हो रहा, बस रोजगार के रोजगार उपलब्ध कराया, रोजगार का उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, हाँ। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, तमाम लोग हैं बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, आप बताइए क्या मुद्दे हैं, आप ये युवा हैं क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी की सरकार आना चाहिए, राहुल गांधी जीतेगा भाई, राहुल गांधी जीतेगा। हाँ बस, बहुत बढ़िया आदमी है वो, बढ़िया आदमी। मेरी बात सुनिए, मैं मुसलमान हूँ, चक्कर में नहीं कह रहा हूँ, मैं चक्कर में नहीं कह रहा हूँ मोदी सरकार ने क्या किया, मगर बात तो अच्छी करी उन्होंने, सब कुछ बढ़िया करा, मगर मैं एक काम धंधे वाला आदमी हूँ, काम धंधा करता हूँ, काम धंधा थोड़ा ऐसी है अभी, क्यों इस जो अभी रमजान चल रहा है, इस रमजान में काम धंधा बहुत अच्छा होता था, सही है, बहुत अच्छा होता था, अब क्यों नहीं है वो काम धंधा, मैं सवाल कर रहा हूँ ऐसा सरकार से, सरकार से सवाल सरकार सवाल कर। बात है, आप सवाल कर सकते हैं लोग, हाँ। यही अच्छी बात और ना मैं बुरा कह रहा हूँ किसी के बारे में कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार बुरी है, मोदी सरकार अच्छी है, कहने को बहुत कुछ हुआ है अपने, यही देख लीजिए ये सब, ये यहाँ पे क्या होता था, आप देखो वहाँ के दिखाओ जरा, देखो क्या है, जो भी है पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एजुकेशन पे ठीक है, महंगाई पे, इन सब चीज पे होनी चाहिए, लेकिन आजकल हो रही है हिंदू मुस्लिम ठीक है रिलीजन बेस्ड, तो इस समय तो यह है कि राहुल गांधी की लहर चल रही है और राहुल गांधी ही जीतना चाहिए, हाँ, एजुकेटेड सरकार बनना चाहिए, हाँ, अंधभक्त वाली नहीं बनना चाहिए, आजकल अंधभक्त बहुत हो गए ना, हाँ अंधभक्त बहुत हो गए, इसलिए एजुकेटेड वाली, एजुकेटेड बंदे होंगे तो सरकार भी अच्छे से चलेगी, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और इकोनॉमी तो ओवरऑल बढ़ेगी। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, रात का समय है, रोजे के समय चल रहे हैं, रमजान का समय चल रहा है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफी अच्छा इलाका है यहाँ पर, बड़ी संख्या में आपको भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, और ऐसे ही तमाम लोग यहाँ पर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, लोकसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मोदी जीतेंगे, मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? वही जीतेंगे, अब लगता क्या है ऐसा, सपा की बाहर तो गई। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है इस बार? मोदी जीतेंगे।
मोदी जीतेंगे। आप बताइए। मोदी जीतेंगे उनका ही। अच्छा, उनकी मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? वो जीतेंगे ही जीतेंगे। आप बताइए। मोदी जीतेंगे और क्या है? मोदी जीतेंगे। चलो और लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? अभी कुछ बता नहीं सकते किसकी सरकार है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव से नाराज है मुसलमान? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और तमाम लोगों की आपने राय सुनी। फिलहाल लोगों का यही कहना है, मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया आई है। कोई कहता है कि राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए, कोई कहता है मोदी की सरकार बनना चाहिए। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ श्रेष्ठ यूपी अनूप कुमार मिश्रा, बरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।